नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सभी हम बात करेंगे दोस्तों टाटा मोटर की। तो टाटा मोटर में कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं, राइट, कुछ नई न्यूज़ है मार्केट में, और उसके दम पे कुछ शेयर प्राइस भी नेगेटिवली रिएक्ट किया है। सो हम देखेंगे इसका वॉल्यूम वगैरह चार्ट क्या बन रहा है, और न्यूज़ के दम पे ये क्या कुछ नीचे आ सकता है क्या। लॉन्ग टर्म जर्नी इसकी अच्छी है, बट अभी न्यूज़ में थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। सभी तो न्यूज़ पे चलते हैं। तो पहली न्यूज़ तो यही है, ऐसी 4 मार्च की न्यूज़ है, दिन के 10:12 की न्यूज़ है। टाटा मोटर्स लुक्स फॉर पार्टनर टू हेल्प सिंक्रोनाइज जगुआर इलेक्ट्रिक शिफ्ट। जगुआर इसकी जानते हैं कि ये यूके की एक कंपनी जिसको टाटा मोटर ने अधिग्रहण किया था, एक्वायर किया था, और फाइनली टाटा मोटर की ही कंपनी है, ठीक है। तो जगुआर का प्रॉफिट लॉस जो भी होना है या जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो फाइनली टाटा मोटर के ही बुक्स में आएगा प्रॉफिट लॉस। तो इन्होंने एक चीज़ न्यूज़ में आई है कि जो जगुआर है उसने जो है इलेक्ट्रिक शिफ्ट, मतलब इलेक्ट्रिक कारों पे जो अपना फोकस है सेल्स का या आगे की स्ट्रेटेजी में, थोड़ा सा शिफ्ट करके ये देख रही है कोई नया पार्टनर मिल जाए। नया पार्टनर मीन्स टाटा मोटर तो रहेगा ही, उसके अलावा कोई नया पार्टनर चाहिए उसे जो इस तरह का इलेक्ट्रिक कारों में माहिर हो और उसके चीज़ों को अपडेट कर सके, ठीक है। क्योंकि मार्केट में कंडीशन ज़्यादा है, उसके जो अपोजिट वाले हैं जैसे टेस्ला वगैरह है, इस सब चीज़ों में काफ़ी, चाहे सेल्स में हो चाहे टेक्नोलॉजी में, वो लोग काफ़ी आगे हैं। तो इनको भी कुछ टेक्नोलॉजी वाइज कुछ नया शिफ्ट, चूँकि जानते ही हैं पूरा डीजल पेट्रोल इंजन से टोटल जो है इलेक्ट्रिक कार में शिफ्ट हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी लगेगी, ठीक है, लेटेस्ट में। तो इसमें इनको एक नया पार्टनर चाहिए। अब नए पार्टनर में आगे में क्या न्यूज़ है देखते हैं। सी द टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल हॉटिंग अप। टाटा मोटर्स पेरेंट कंपनी जगुआर लैंड रोवर इज सर्चिंग फॉर पार्टनर, ठीक है। पार्टनर सर्च करें क्यों चाहिए। इट नीड्स हेल्प टू मूव जगुआर इन न्यू प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। न्यू प्रोडक्ट आर्किटेक्चर में नए मॉडल कारें हों, नई टेक्नोलॉजी हो, कुछ नई ऐसी बेनिफिट दे सके जो इसके विपक्षी मीन्स इसके जो कंपटीटर हैं लाइक टेस्ला वगैरह, इन लोगों से भी अच्छा हो, तभी मार्केट में रह पाएंगे, नहीं तो मार्केट में चले जाएंगे। जगुआर इज सेट टू बिकम 100% इलेक्ट्रिक फुल 2030 के पहले, इवन पहले न्यूज थी कि 2026 के पहले 100% इलेक्ट्रिक हो जाएगी, मीन्स पेट्रोल इंजन और इन सब का जो है प्रोडक्शन टोटली बंद हो जाएगा और 2026 ऑनवर्ड्स जो है टोटल इलेक्ट्रिक कारें बनेंगी बिकेंगी, ठीक है। तो फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिक कारों का है, तो उसे फोकस करने के लिए उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाने की सोचा है, कोई नया पार्टनर मिल जाए जो इस तरह की चीज़ों में स्पेशलाइजेशन हो इलेक्ट्रिक कारों के प्रोडक्ट में। अब दिस इज द बिगेस्ट रिलेशनशिप ऑफ द टू ब्रिटिश ब्रांड, ठीक है, ये है। तो इसके दम पे दोस्तों बहुत सारे जगुआर में दिक्कत हो रही है, और इंडिया में तो क्या है कि टाटा मोटर का बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट वहाँ पे दिक्कत है। और तो नई नई खबरें आने का भी बोलता था कि कितने बिलियन का, 15 बिलियन का, कितने का वो राइट ऑफ कर दिया, कभी स्ट्रैटेजी भी चेंज, अभी नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी भी चेंज हो रही है, उसके दम पे प्राइस जो है आज नेगेटिवली रिएक्ट किया है। तो हम चार्ट पे चलेंगे और ऑप्शन चेन पे भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ और नेगेटिव फैलाने वाली बात एक और है जो हम देखते हैं। एक चीज़ ये देखिए कि ये भाई साहब जो है एक ब्रोकरेज है, ठीक है, आपको नाम दिख रहा होगा। तो टारगेट इन्होंने कम कर दिया 255। कब की न्यूज है ये, 2 मार्च की न्यूज है, मतलब आज 4 है, परसों की न्यूज है, जिसमें टाटा हाई पे हाई बना रहा था और उसमें ये जो है 255 टारगेट कर दिए हैं। सी इन्होंने क्या लिखा हुआ है आगे कि रेटिंग द टाटा मोटर विद द टारगेट प्राइस ऑफ 255, ठीक है। अंदर क्या लिख रहे हैं, अंदर इन्होंने रिसर्च रिपोर्ट पूरी दी हुई है। तो मैं जो आपको दिखाने चाह रहा हूँ वो ये न्यूज़ नहीं है, इस न्यूज़ के पीछे एक न्यूज़ छिपी हुई है। ये 2 मार्च की न्यूज़ है, टारगेट 255 का दिया हुआ है, एक ब्रोकर एजेंसी, इनका भी नाम चलता है, ठीक है। अब सेम चीज़ है, 1 मार्च, एक दिन पहले इन्होंने, एक दूसरी ब्रोकर एजेंसी है मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने 400 का टारगेट दिया है। एक दिन के अंदर पे दो अलग अलग ब्रोकर एजेंसी, ये 400 का दिए हैं, ये 255 का दिए हैं, लगभग आधा, ठीक। इनमें आपस में ही इतनी कन्फ्यूजन है, और अगर मेजॉरिटी के माने तो मेजॉरिटी चाहे CLSA हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, ICICI डायरेक्ट हो, सब ने 400, 390, 410 ऐसे ही के टारगेट दिया है। चार्ट पे ऑप्शन चेन पे भी जो है 440 तक का स्टेट दिख रहा है। तो इनकी बात माने तो थोड़ा सा इसमें नेगेटिव का, जो मार्केट में थोड़ा सा एक नेगेटिविटी है मोटर के प्राइस में, ठीक है, पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया है, वो जो है थोड़ा सा दिख रही है। अब थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, 339 रुपये का प्राइस है, ठीक है, 339 रुपये का प्राइस है। अब यहाँ पे देखिए 2 मार्च तक जो है 329 तक था, 2 मार्च से ऊपर जाके सीधा यह 355 कल तक गया था, ठीक है। आज की डेट में थोड़ा मार्केट भी निगेटिव है और ये भी
नेगेटिवली रेट किया, ऑटो ज़्यादातर ऑटो स्टॉक नेगेटिव ही है। तो अब क्या करें दोस्तों, मेरा राय एकदम क्लियर है, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, एक महीने से बोलता आ रहा हूँ, इस पे होल्ड रखना है और नीचे की प्राइस पे अगर मिल रहा है आपको तो बाई करना है, ठीक है। क्योंकि अगर ब्रोकर एजेंसी की भी माने तो मेजोरिटी ऑफ ब्रोकर एजेंसी, चाहे वो ICICI डायरेक्ट हो, मोतीलाल ओसवाल हो, दो चार और भी हो, आप देख सकते हैं, तो उन सबका जो है टारगेट 400 या उससे ऊपर ही है शॉर्ट टर्म का, दो से एक दो महीने का। और लॉन्ग टर्म का टारगेट तो आप ही जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये मल्टी बैगर जर्नी है। मल्टी बैगर जब स्टॉक जर्नी फेस करता है तो अपने प्राइस से डबल ट्रिपल ऐसे वो ट्रेड करना शुरू करता है बाद में। तो ये इसका, अब इसके थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे चलते हैं, ऑप्शन चेन पे देख रहे हैं, ऑप्शन चेन पे चलते हैं टाटा। अब ऑप्शन चेन पे देखिए अपना प्राइस किधर है, 340 के आसपास है, ठीक है, 340 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 5700 का स्ट्राइक प्राइस है 340 पे, लेकिन ये कोई स्पेशल रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस एक यहाँ पे था 330 पे, उसको क्रॉस कर चुका है, और फिर ये 345 पे एक रेजिस्टेंस है 11500 क्वांटिटी का, ठीक है। ये 345 क्रॉस करेगा, अभी जो है थोड़ा नीचे चला 339 के आसपास, ठीक है, और उसके बाद ये 345 क्रॉस करेगा, फिर 355 इसका एक हल्का हल्का रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इसका जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है 365, 365 का इसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, और यही इसका फर्स्ट टारगेट प्राइस भी होगा, ठीक है। तो मान के चलिए अभी का फर्स्ट हर्डल है 365, छोटे मोटे हर्डल है, 345 पे है, 55 पे है, ठीक है, वो एक दो झटका लगेगा तो निकल जाएगा, लेकिन 365 इसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस है एक, अगर उसको क्रॉस किया तो फिर ये 420 की ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा, याद रखिए, ठीक है। तो अभी फिर से बता रहा हूँ, 340 अभी ट्रेड कर रहा है, फर्स्ट टारगेट इसका 365, 365 इसका रेजिस्टेंस है, या 345 55 पे हल्के हल्के रेजिस्टेंस है, लेकिन कोई मामूली नहीं, आप भी जानते हैं टाटा मोटर जंप शुरू करता है तो छोटे मोटे रेजिस्टेंस काम नहीं करते हैं। बड़ा रेजिस्टेंस एक 365 पे है, उस पर टच करने दीजिए, उसको क्रॉस करने दीजिए, फिर जो है एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं, और फ्रेश बाइंग भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है, नंबर जनरेट कर रही है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, ग्रोथ डबल होने वाला है इसका, इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होने है, और क्या चाहिए, हर एक चीज़ से पॉजिटिव न्यूज़ है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। मिलते अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।